ये आप जरूर बनाइए। मेल पर्सन, फीमेल पर्सन, कोई भी इसे यूज कर सकता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि बालों की ग्रोथ बढ़ेगी। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में धीरे धीरे सॉफ्ट एंड सिल्की होते जा रहे हैं बाल, और वो भी बिना केमिकल के, घर में होममेड बना हुआ कंडीशनर से आपके बालों में जान आ गई है। और वे चलो कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, घर में जो भी चावल आते हैं तो उसको आपको 3 चम्मच यूज करना है। नए चावल और पुराने चावल क्या होते हैं ये आप अपनी नानी दादी से पूछ लीजिए। उसके बाद उसे पानी में भिगा के रखना है, ढककर रखना है। आप चाहे तो 2-3 घंटे भिगा कर रखें या ओवरनाइट आप भिगा कर रख सकते हैं। धीरे धीरे स्लो गैस पर आप पकाएं, जब तक मैश जैसे न हो जाएं तब तक आप चावल को पकाते रहें। राइस कोई भी क्वालिटी का हो, पतला हो, मोटा हो, बारीक हो, हमारे बालों की खाद है। इसका जो माड़ होता है, माड़ आप समझते हो, जैसे जो पानी होता है बहुत गाढ़ा हो गया, मतलब आपके चावल नए हैं, तो हमें सिर्फ चावल का पानी ही यूज करना है, वही कंडीशनर है, उसे ब्लेंड करेंगे। लेकिन अगर आपका चावल 2-3 साल पुराना है तो आप क्या करेंगे, इसका जो पानी निकलेगा थोड़ा पतला निकलेगा, जैसे ये वाला पानी है, बहुत गाढ़ा नहीं है, तो इसमें हमें चावल मिलाने पड़ेंगे, तभी हमारा ये कंडीशनर तैयार होगा। चावल धीरे धीरे डालिए जिससे हमें बहुत ज्यादा गाढ़ा पेस्ट ना हो जाए। तो उसी तरीके से मैंने बना लिया और अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। लग रहा ना कंडीशनर, इसमें और एक इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, वो ग्लिसरीन, जिससे और ज़्यादा मज़ा आए। जो हमारे बालों में पोषण चाहिए, जो हमें मॉइस्चराइज़र चाहिए, वो बालों को चावल तो देगा, लेकिन ये जो ग्लिसरीन है ना, वो उसे लॉक करके रखे। अगर आपको बच्चों कुछ खुशबू के लिए चाहिए तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसे जोजोबा ऑयल कुछ ड्रॉप्स उसमें डाल सकते हो, या रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हो, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होते हैं, बालों के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। लेकिन आप इसके लिए लेने मत जाइए, अगर है तो डालिए। जैसे नींबू के कुछ बूंदे डाल दीजिए, रोज की पेटल्स डाल दीजिए, या आपको जैस्मिन का फ्लावर है उसकी कुछ पेटल्स डाल दीजिए, आपको गुड़हल का पौधा जो हमारे बालों के लिए बहुत बेस्ट होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उसकी कुछ पत्तियों को डाल दीजिए, आपको बढ़िया खुशबू मिलेगी। और हाँ, बहुत ज़्यादा लालच करके ढेर सारा मत बनाइए। हफ्ते में अगर 3 बार हेड वॉश करते हो तो ये 7 रुपये के खर्चे में आपका बनकर तैयार हो जाएगा। बाकी का कंडीशनर आप एक साफ जार में, कांच के जार में भर के फ्रिज में रख दें। जब भी आपको यूज़ होगा थोड़ा सा पानी मिला के उसे ब्लेंड करके ही कंडीशनर को यूज़ करें। इस कंडीशनर को यूज़ करने का तरीका क्या होगा, पहले आप बालों में शैम्पू कीजिए माइल्ड सा, उसके बाद इस कंडीशनर को बालों में स्कैल्प पर भी लगाएं, क्योंकि ये केमिकल फ्री है, आप स्कैल्प पर भी लगा सकते हैं। 5-7 मिनट रखिए बालों में, उसके बाद हल्के हाथों से सहलाइए बालों को और सादे पानी से आप बालों को साफ कर लीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में जो फिजी बाल थे, जो रफ बाल थे, जो ड्राई बाल थे, उनकी कंडीशन बहुत अमेजिंग हो गई है। धीरे धीरे सॉफ्ट एंड सिल्की होते जा रहे हैं बाल, और वो भी बिना केमिकल के, घर में होममेड बना हुआ कंडीशनर से आपके बालों में जान आ गई है, खाद मिलने लगी है। तो कब बना रहे हो कंडीशनर, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।